मगर सिर्फ हैकिंग की बात नहीं हुई है, कुछ हत्याओं का भी जिक्र हुआ है। सैयद शुजा के शरण लिए जाने का के दस्तावेज का जिक्र है जिसकी जांच हो सकती है। ईवीएम पर पहले भी सवाल उठाए हैं, चुनाव आयोग ने पूरा मौका दिया कि कोई इसे जांच कर ले, मगर बात उठती है और इन दिनों ठंडी भी पड़ गई है, अब ज्यादातर लोग नहीं कहते। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर से सवाल उठेगा? अभी हाल ही में कोलकाता में विपक्षी दलों ने ईवीएम को लेकर उठने वाले सवालों को लेकर एक कमेटी भी बनाई है। क्या जो सवाल उठे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें बताई गई हैं वो वाकई बी ग्रेड हिंदी सिनेमा की कहानी है, या फिर इन्हें बी ग्रेड इसलिए बताया जा रहा है ताकि सवालों के जवाब तक पहुंचने से पहले ही सवालों को खत्म कर दिया जाए? ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है जो लंदन में हुई है। इसे इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के यूरोपीय चैप्टर ने आयोजित किया। इसके अध्यक्ष आशीष रे हैं। आशीष रे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद सुजा से सवाल पूछ रहे थे। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन भी इसका आयोजक है। स्क्रीन के पीछे जो शख्स पट्टियां बांधे दिख रहा था उसका नाम सैयद सुजा है। उसने कई ऐसे बातें बताई हैं जो 2014 के चुनाव के नतीजे को लेकर शक पैदा करते हैं, न सिर्फ 2014 के नतीजों को लेकर बल्कि बाद के चुनावों को लेकर भी। सैयद सुजा का दावा है कि उस पर भारत में जानलेवा हमला हुआ, उसकी टीम के कई सदस्यों को मार दिया गया और जब उसने अमेरिका में शरण ली और अब बात बताने का फैसला किया तो 4 दिन पहले उस पर जानलेवा हमला हुआ, छाती में कई स्टिचेस लगे हुए हैं, इसलिए वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने से नहीं आया जिसे आना था उसे, बल्कि अब वो स्काइप के जरिए शामिल हुआ। सैयद शुजा ने बातें बताई हैं, उन्हें सुनकर किसी को भी सिरहन हो जानी चाहिए, मगर एक सतर्कता रखनी चाहिए, ना तो बहुत उत्साहित होना चाहिए और ना ही इसे आसानी से रिजेक्ट कर देना चाहिए, दोनों ही ठीक नहीं है। इस शख्स के दावे में हवा हवाई बातें नहीं लगती, कुछ कमियां जरूर दिखाई देती हैं सुनने में, मगर उसकी बातों का क्रम ऐसा है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाने चाहिए। इसलिए कहा कि अगर आप लोकतंत्र को लेकर गंभीर हैं तो ईवीएम मशीन को लेकर उठने वाले हर आरोप को ध्यान से सुनिए, रिजेक्ट बेशक कर दीजिए वो ठीक है, मगर पहले सुनिए। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए चुनाव को प्रभावित करने को लेकर सवाल हो रहे हैं, उन पर लंबे लंबे लेख लिखे जा रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बेवकूफी की बात नहीं है, इसीलिए सुनिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए सभी दलों को न्योता गया था ऐसा दावा है, चुनाव आयोग को भी गया था, मगर कांग्रेस के कपिल सिब्बल को छोड़ वहां कोई नहीं गया। सिब्बल के होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वे पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे हैं, ये सवाल वाजिब भी लगते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सिब्बल का वहां होना महज संयोग नहीं है, कांग्रेस किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को हटाना चाहती है। सैयद सुजा कौन है? वो कहता है कि वो 2009 से 2014 के बीच ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता था। क्या सुजा काम करता था? यह बात तो साबित हो सकती है। उसने कहा कि ECIL कह सकती है कि इस नाम का कोई शख्स नहीं, मगर उसके पास दावा है कि उसके पास तमाम सबूत हैं। जज लोया की मौत को लेकर जब कारवा ने 27 रिपोर्ट छापी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, हर कोई मजाक ही उड़ा रहा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की जरूरत को ठुकरा भी दिया, मगर बात बात में जांच की मांग करने वाले इस देश में एक जज की मौत को लेकर उठे सवाल पर जांच को लेकर सबने चुप्पी साध ली। इसलिए कहा कि सुजा के दावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, दोनों बातों के लिए, सही है तो भी और गलत है तो और भी जरूरी है। सुजा का कहना है कि वह उस टीम का हिस्सा था जिसने 2014 के लिए ईवीएम मशीन डिजाइन की जिसे हैक किया जा सकता था। बाद में इस टीम को गोलियों से उड़ा दिया गया और अलग अलग तरीकों से मार दिया गया। क्योंकि वो लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो बहुत सारी बातें, तकनीकी बातें समझने की क्षमता हम भी नहीं रखते और ठीक से सुने भी नहीं, लेकिन तब भी जो ज्यादातर हिस्सा सुना है वो अगर इस तरह की टीम की अगर हत्या किसी कमरे में ले जाकर लोगों की गई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर ये कहानी जग्गा जासूस का ख्याली पुलाव है तब भी एक जांच करनी चाहिए कि क्या सुजा की टीम के सारे सदस्यों को इसी तरह से गोलियों से मारा गया था। अब ये हिस्सा आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सुजा का कहना है कि उसके लोगों ने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की, ये थोड़ी हास्यात्मक भी लगती है, ये सोच करके बीजेपी के नेताओं को ब्लैकमेल कर सकेंगे। हैदराबाद के उपनगर में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की मगर पूरी टीम को गोलियों से भून दिया गया, शायद ऐसा उसने कहा है, और गोली सुजा को भी लगी मगर वो किसी तरह से बच गया। सुजा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहता था जैसा कि पहले भी बताया हमने, लेकिन उस पर जानलेवा हमला हुआ। सवाल है कि वो कौन है जो सुजा पर हमला करना चाहता था, इसकी भी जांच हो सकती है कि क्या 4 दिन पहले उस पर इतना गंभीर हमला हुआ है कि उसकी छाती में 18 टांके लगे हैं जैसा कि उसने दावा किया है। इस बात का मजाक उड़ाने का क्या आधार हो सकता है? अगर कोई कह रहा है कि उस पर जानलेवा हमला हुआ है तो इस बात की तो जांच हो सकती है।
वो हाँ ये सवाल जरूर उठता है कि जिन लोगों के मार दिए जाने की बात वो कर रहा है उसके उसके परिवार वालों का क्या कहना है, क्या ये महज संयोग है कि एक टीम के 10-12 लोग एक एक करके या अलग अलग तरीके से या एक साथ एक कमरे में मार दिए जाएं, ऐसा वाकई फिल्मों में भी नहीं होता। सुजा का दावा है कि वो उस टीम का हिस्सा था जिसने मशीन डिजाइन की थी। सुजा का कहना है कि हाल के चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम मशीन से वो साबित कर सकता है कि मशीन हैक की गई है या नहीं, बता देगा कि कौन सा चुनाव प्रभावित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा था, ये वो कह रहा है सुजा, कि पता करे कि क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। नोइंगली एंड विलिंगली इन्वॉल्वड इन हैकिंग और डिड इट हैपन आफ्टर यू हैड डिजाइन्ड द मशीन इन अ सर्टेन वे and you were not directly involved. Could you clarify that, please? I am not directly involved. However, you asked that if it's possible to hack, how is it possible? Sure. So that we can do a better design, which is impossible to hack. So we were asked to do so by DCIL so that they can design another machine. So we did that because we were asked to do so. And ECIL being Electronic Corporation of India Limited, right? Yeah. Not the election, not the Election Commission of India. On the direct order of that time Election Commission, Mr. Sampath, who is aware of all the things which are going on. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये सब पूर्व चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि संपत के निर्देश पर हुआ, इसलिए ये जरूरी है कि इन सवालों की जांच कर लेनी चाहिए। खंडन वाले जवाब से कहीं ज्यादा भरोसेमंद जवाब की जरूरत है। ECIL की जांच करनी होगी क्योंकि ऐसा हुआ था या नहीं ये पता लगना जरूरी है। महज खंडन से सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते। जरूर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिल्ली से नजर रखने वाले कई गंभीर पत्रकारों ने कहा कि सारे आरोप लगाए गए हैं, दावे हैं, मगर सबूत नहीं पेश किए गए हैं। सुजा से जब ये पूछा गया तो उसने कहा कि सारे सबूत अमरीकी प्रशासन के पास जमा है, जो उस वक्त उसने शरण मांगने के दौरान वहां पर दी थी। लेकिन इससे पत्रकार संतुष्ट नहीं हुए हैं, इस बात को भी प्रमुखता से सामने रखना चाहिए। उनका ये भी मानना है कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए की गई थी तो बेहतर था कि और सबूतों के साथ रखा जाए ताकि लोग गंभीरता से इसे सुने। सुजा ने साफ साफ कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हैक की जा सकने वाली मशीन बनाने की बात कही थी ताकि उसके विकल्प में दूसरी ऐसी मशीन बनाई जाए जो हैक ना हो सके, मगर शायद वो एक तरह का, सुजा ने कहा कि कोई ब्लूटूथ या वाईफाई से हैक करने वाला जो दावा किया जाता है वो बेकार है और हास्यास्पद है। ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है, ये बात चुनाव आयोग भी कहता है, लेकिन सुजा का अलग से कहना है कि कोई ग्रेफाइट बेस्ड आधारित ट्रांसमीटर लगाने से ऐसा हो सकता है ताकि एक ही बार में डेटा भेजा जा सके, और जब वो डेटा भेजा जाता है तो सुजा की टीम ने उसे इंटरसेप्ट करने का भी तरीका निकाला जिससे कुछ चुनावों को बचाया, जो ये कहानी भी थोड़ी फिल्मी लगती है। जब हमने ये दिखा दिया तो गोपीनाथ मुंडे सामने आए, वो ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये करके दिखा दिया तो गोपीनाथ मुंडे वहां पर थे, कहा कि हम ऐसी ईवीएम मशीन डिजाइन करेंगे जिसे हैक नहीं किया जा सकता। गोपीनाथ मुंडे किस हैसियत से थे, क्यों थे, ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है, शायद और जरूरत है। हमें तब नहीं पता था, ये सुजा कह रहे हैं कि गोपीनाथ मुंडे कौन है। वो पीसीबी कनेक्टर बनाते थे जिसका ईवीएम मशीन में इस्तेमाल होता था, उन्होंने पूरे चुनाव के नतीजे बदल दिए। सुनिए ये बात। गोपीनाथ मुंडे गोपीनाथ मुंडे की कोई ऐसी कंपनी थी या उनसे संबंधित कोई कंपनी थी जो ईवीएम मशीन में इस्तेमाल होने वाली कनेक्टर बनाती है, क्या यही वो सवाल था जिससे जानने के लिए गौरी लंकेश ने आरटीआई फाइल की थी और उनकी हत्या के तार इससे जुड़े हैं। ये सब सुजा ने बताया कि गौरी लंकेश इस स्टोरी पर काम कर रही थी और वो इसे छापने वाली थी और उनकी हत्या हो जाती है। क्या सुजा के इस आरोप को भी यूं ही खारिज किया जा सकता है कि यह जग्गा जासूस का ख्याली पुलाव है? क्या ये हिस्सा हम आपको सुनाएंगे। 2014 के चुनावों के बाद
कुछ पत्रकारों को भनक लग गई, ये सुजा का कहना है। एक प्रमुख एंकर की तरफ उसने इशारा भी किया, लेकिन सुजा ने गौरी लंकेश के बारे में बताया और अब कहा कि अगर ये बात सही है तो अलग से इसकी जांच करनी होगी कि क्या गौरी लंकेश की हत्या इसलिए भी की गई कि वो 2014 के लोकसभा चुनावों का सच बाहर लाने वाली थी, लिखने वाली थी और इसे रोकने के लिए ऐसा किया गया था, इसलिए इसकी जांच की बहुत जरूरत हो जाती है कि ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले केबल का निर्माण कौन कंपनी कर रही थी। क्या आप ये जानना नहीं चाहते? अगर ये ख्याली पुलाव वाले हैं तो जरूरी जरूरत इस बात की है कि इन सारे सवालों के जवाब विश्वसनीय तरीके से दिए जाएं, ताकि लोगों में जो संदेह उठा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो खत्म हो, और कई बार उठा है, आगे भी उठता रहेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भी हो तो भी ये सवाल उठता रहता है ईवीएम मशीन को लेकर। ये भी देखा जा सकता है कि क्या ऐसी कोई आरटीआई दायर की गई थी, उन्हें कोई जवाब मिला था, क्या उन्होंने इस तरह के सवाल पूछे थे, कहां किया था। अब सैयद सुजा की बताई कहानी पर आता हूं। सैयद सुजा कैसे अमरीका पहुंचा? उसका कहना है कि उसकी टीम में कई लोग थे जिन्हें मार दिया गया। इनके नाम थे श्रीनाथ, केशव, प्रकाश, एक लड़की का भी नाम लिया जो ठीक से सुनाई नहीं दिया शायद, जैज नाम लिया, एजाज, अनवर। सुजा ने सारे लोगों के नाम नहीं लिए, कहा कि मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं। बाद में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछे, जिसमें जज लोया की स्टोरी करने वाले निरंजन टाकले भी वहां मौजूद थे। उन्होंने पूछा कि केशव राव कहां है, जिसके बारे में सुजा ने बताया था कि वो हैदराबाद के किशनगढ़ के उस कमरे में लेकर गया था। और निरंजन टाकले ने भी यही पूछा कि वो उनको कमरे में लेकर गया था जहां पर सबको गोली मारी गई, तो सैयद सुजा ने कहा कि वो अभी जिंदा है और आखिरी बार उससे मिला था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उससे संपर्क नहीं है। लेकिन ये बात निरंजन टाकले के सवाल में थी, बात थी कि सबको गोलियों से भून दिया गया, क्या ऐसा हुआ है? इस बात की जांच करने में किसी को क्या आपत्ति है कि इसकी कोई टीम थी सुजा की, और इस टीम के लोगों ने क्या कोई ऐसी डिवाइस तैयार की थी ग्रेफाइट बेस्ड, जिससे ईवीएम के डेटा को इंटरसेप्ट किया जा सकता था? क्या केबल में कुछ ऐसी चीजें थी? क्यों नहीं हो सकती? अगर पहले भी चुनाव आयोग ने इन सवालों को बेवकूफी मानते हुए भी अगर सारा मौका दिया तो एक बार बेवकूफी मान भी लिया जाए तो क्यों नहीं इनकी जांच हो सकती है? इतने सारे लोगों की अगर हत्या हुई है, सुजा की हत्या हुई है, इस सवाल को की जांच हो सकती है कि उसे जब गोली लगी थी कहां गोली लगी थी, उसने कहां इलाज कराया था, फिर कैसे वो कह रहा है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा और $100 के रिश्वत देकर अमेरिका की तरफ रवाना हो गया। जो लोग इसके पीछे, अगर उसकी बात सही है, तो कैसे एक व्यक्ति को जिंदा बच निकलने जाने देते हैं और वो कैसे बच जाता है, ये सारे सवाल हैं, पूछे जा सकते हैं और तमाम कड़ियों को जोड़ा जा सकता है। And the guy who brought the email to the US, when he reached you, India, he went with an accident, and he died. An accident where he was standing at a bus station and a bus ran over a RTC bus in Gachibowli, in Dhamra, ran over. For the sake of clarification, you've been referring to my team in the present tense. And then you had earlier said that your team was completely wiped out in the shooting incident. Can you name these people who worked with you in 2014 and were shot and killed? I can name five of them. Jazz, Ajaz, Hamza, Prakash, Shina, Swanshi, Kevin, Keisha, and Farid. These guys work with me, they got killed that day. That you may know that they got killed that day. The team I'm referring to is those who are working with me right now, those who wanted to save the democracy in India.
सुजा की बातों के कई हिस्से हैं। एक वो तकनीकी रूप से कह रहा है जिसे सही या गलत होने का दावा या समझ बहुत लोगों को नहीं है, तो उसकी जांच अलग से। एक वो इसके सिलसिले में कई हत्याओं का जिक्र कर रहा है कि तेलंगाना में किस तरह से एक बस के जरिए एक उसके साथी को कुचल दिया जाता है, और वो ये भी कहता है कि हैदराबाद के किशनगढ़ में दंगा भड़का दिया गया, जो लोग मारे गए थे उन्हें दंगों में मरा घोषित कर दिया गया। अभी आरोप संगीन है, इसलिए किशनगढ़ में दंगा हुआ था या नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। हमने इंटरनेट सर्च किया, बहुत ज्यादा विस्तृत रिपोर्ट इसके बारे में नहीं मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया और दी पायनियर की छोटी खबर मिली जिसमें किशनगढ़ दंगे का जिक्र है। इसमें इतना ही मिला कि सिख और मुस्लिम समुदाय के बीच वहां टकराव हुआ था जिसमें 11 लोगों को गोली लगी थी, 3 की मौत हुई थी और तीनों मुसलमान है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है। नाम है मोहम्मद शुजाउद्दीन, तौफीक और मोहम्मद फरीद और वली नाम है ऐसा। इनमें से एक ऑटो ड्राइवर बताया गया है, इलेक्ट्रिशियन बताया गया है, फर्श की रगड़ाई, संगमरमर के फर्श की रगड़ाई करने वाला बताया गया है। ये नाम उस नाम से मैच नहीं करते हैं जो सुजा ने बताया है। तो घायलों के जो नाम है उसमें से सिर्फ अनवर का नाम मिलता है, जो सुजा ने एक अनवर नाम लिया है, लेकिन इसमें घायलों में एक अनवर खान का नाम है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां आयोजक की तरफ से पूछा गया कि आपकी कोई टीम है जो पहले थी उसका क्या हुआ, तो सुजा ने कहा कि ज्यादातर लोग मार दिए गए, अभी जो टीम है उसके पास रिसोर्स नहीं है, वो हैकिंग को अपने इंटरसेप्ट करती है ट्रांसमिशन और हैकिंग को बचाती है, जिसका लाभ एक बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हुआ और इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को हुआ। इज इट योर बिलीफ दैट व्हाट हैपेंड एज यू आर क्लेमिंग इन 2014 हैज कंटिन्यूड टू हैपन? It is happening as we speak. The Madhya Pradesh, Rajasthan, and Chhattisgarh election. If we wouldn't have my team, who's still in India, they intercepted the transmission. With that interception, still, like I said, we don't have too much of resources, but we still want to see how free and fair the election could be possible. Over there, with that transmission interception, the election results were very close in Madhya Pradesh. You know, one seat was up, one seat was down. If election commission agrees to count the VPAT, the entire one of it, you will see a complete discrimination between the EVM data and the VPAT data. So you will find a huge amount of discrimination. Or discrepancy in the Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, and especially Telangana. In fact, it has been discovered recently that number of votes registered was higher in EVM than number of votes cast. In about 40 constituencies, about 5,000-6,000 votes is more in 40 constituencies. And the election commission did not even bother to give an explanation on what happened. सुजा ने यह भी कहा कि उसकी टीम ने मध्य प्रदेश के, जैसे वो बता रहे थे कि नतीजों को इंटरसेप्ट कर बीजेपी के पक्ष में जाने से बचाया, और वो ये साबित कर सकता है। वो खुद बता रहे हैं कि कई जगहों पे मशीनों में जो जितने मतदाता दर्ज हैं और जो रिजल्ट निकला है उसे जोड़ा जाए तो दर्ज मतदाताओं की संख्या से अधिक है। तो ये कैसे हो सकता है, वो ये बता सकता है कि ऐसा हुआ जो अभी अभी वो कह रहा था। इस तरह की बातें आई भी थी व्हाट्सएप का गप समझकर हम सब ने ठुकरा दिया, जैसे अभी कई पत्रकार इस पर इसी तरह से व्हाट्सएप का गप समझ के इसे ठुकरा रहे हैं। सुजा का कहना है कि इन विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल मशीन मिल जाए तो वो बता देगा कि कौन सी मशीन हैक हुई है, कौन सी नहीं। अब सवाल है कि सुजा अमेरिका कैसे पहुंचा, उसके पास क्या सबूत है, कहां है, क्या वो साबित कर सकता है, कर सकता था तो वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर क्यों नहीं आया। Tell us now a little bit about how you left India and arrived in the United States and what is your status there in the United States? Well, I seek asylum. Seek asylum on the side. So when I left India, I was injured thanks to the corrupt system in India.
I was able to leave India, leave Delhi Airport, pay my $100 to the immigration officer in India for getting passed through. And I ended up here and I filed my asylum application. I had enough evidence while I was waiting for my day. I had to gather evidences. So I did gather enough evidences to prove my case, to put forward my case, and all the evidences that we verified, you know, the information which I shared here, so it will be verified. And then, based on the verification, I was granted the asylum. Suja ek whistle blower. आप उसके पक्ष से सोचिए कि क्या वो सब एक दिन हिंदुस्तान में व्हाट्सएप का गप अफवाह फैलाने, जग्गा जासूस की कहानी को फैलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है। जब नाम सामने आ गया तो भारत की सरकार मिनटों में, सेकंडों में चेक कर सकती है कि ये क्या शख्स और क्या क्या जमा है। उसकी तरफ से सोचिए कि उसने कितना बड़ा जोखिम लिया है अपनी बात को सामने रखने के लिए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि मजाक करने वाले मजाक करते रहे, मगर जिन हत्याओं पर सवाल उठा है और जो परिस्थितियां, जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, उसे फिर से साफ साफ जनता के बीच में किया जाना चाहिए, जैसे पहले उठाए गए संदेहों को लेकर किया गया था। बाकी ब्रेक के बाद।